सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए, शय और मात चेकमेट। सिग्नेचर पान मसाला, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। मानी चौधरी, आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सच के साथ लगातार। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया महाराज ग्वाल मंडली के साथ, प्रासाद शिखर, प्रसाद नहीं प्रासाद, शिखरारूढ भवन का शिखर अर्थात अट्टालिका, सैकड़ों की संख्या में मथुरा के नर नारी एकत्र है, वो कर क्या रहे थे, अब देवर्षण वर्षा कर रहे थे। किसकी वही करी में फूलन की माला तेरी जय जय खा, कन्हैया बोले तुम सबन को ना पतो, या नगर के महाराज जो कंस हैं हमारे खास मामा जी हैं, अजब हो मामा जी को भांजो पहली बार आवे हो हमारे नगर गांव, अरे गांव नए नए बढ़िया बढ़िया चमकीले चमकीले कपड़ा पहन के आते। कन्हैया बोले देखो ब्रजवासी, मेरे मामा जी क्या काउ बात की कमी ना, तुम सबन को कहा चाहिए। ब्रजवासी बोले लाला, नए नए अगर चमकीले चमकीले कपड़ा मिल जाए फिर तो आनंद ही आ जाए। कन्हैया बोले सब व्यवस्थाओं की चिंता मत करो, चलते हुए जा रहे तेरे सामने से एक धोबी जी आ रहे हैं। वचन मा स्वस्ति सफेद वस्त्रेक्षण नमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। देखिए अब यहाँ थोड़ी जगह
नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आज आलम नगर में सोना विहार में बहुत ही बड़ा सप्ताह कार्यक्रम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है जो कि लगातार हफ्ते भर का है। और श्री जो कथावाचक हमारे हैं हेमंत पांडे जी हैं और आइए इनसे जानते हैं किस किस तरह से यहाँ पे रासलीलाएँ हो रही और क्या क्या प्रमुख है इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान। नमस्कार, सबसे पहले हेमंत जी। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम हेमंत पांडे है और हरिद्वार संत वैदिक साधना धाम आश्रम से यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है, पुराणेषु तिलकम। और यह भगवान श्री बांके बिहारी लाल का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान अपने गोलोक धाम को गमन करने लगे तो उद्धव जी महाराज को बताया, कहा कि जो भी भक्त मुझे साक्षात मानकर और श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करेंगे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि यह साक्षात कल्पवृक्ष है। यदि हमें स्वर्ग का कल्पवृक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक सुखद पुण्य एकत्रित करने पड़ेंगे, तब स्वर्ग का कल्पवृक्ष उसकी प्राप्ति होगी। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है साक्षात कल्पवृक्ष है, इसके नीचे बैठने के लिए बस श्रद्धा भाव चाहिए और भगवान की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। समस्त भक्तों से यही अनुरोध है, भगवान की पावन कथा श्रवण करें।